दें। और छठा हक यह है कि कुरान मजीद की तावीम और उसका एहतराम किया करो। एहतराम का मतलब क्या है? बहुत सारे लोग एहतराम के अपने मनमाने तरीके रखे हुए हैं। कोई उसे अपने सर से ऊपर उठाए रखता है, शादी ब्याह में तोहफे के तौर पे देता है, बारात में उसे मखसूस अंदाज में उठा के ले जाता है। आप जानते हैं ये सारे तरीके एहतराम के नहीं। एहतराम के सिलसिले में दो बुनियादी तालीम इस्लाम ने दी है, इन दो बुनियादी तालीमात का ख्याल रखें। पहली तालीम कुरान मजीद में आई, इदा कुरी अल कुरान फस्तमिउ लहु वअनसितु लअल्लकुम तुरहमून। जब कुरान मजीद पढ़ा जाए तो गौर से सुना करो और खामोशी इख्तियार किया करो। कुरान की ये तावीम है, उसका एहतराम है, उसका हक है कि जब कभी कुरान मजीद पढ़ा जाए आप खामोशी इख्तियार कर लें। आप गुफ्तगू कर रहे हैं, तिलावत सुनाई देती है तो गुफ्तगू को रोक लो। कुरान मजीद की तिलावत चल रही है, आप कोई दूसरी गुफ्तगू ना करो। और मेरे भाइयों, खास तौर पर वो भाई जो घरों में आज वसाइल आसान हो गए, मोबाइल के अंदर, घर के अंदर कंप्यूटर के अंदर या किसी और जरिए से सीडी प्लेयर के अंदर कुरान चलाए रहते हैं, घर के अंदर बातें भी हो रही हैं, सब कुछ हो रही है, दुकान के अंदर कुरान की तिलावत चल रही है, आपकी गुफ्तगू भी जारी है, कारोबार भी जारी है, ये तरीका कुरान मजीद के एहतराम का नहीं। ताजीम ये है कि जब कुरान मजीद सुनो, पढ़ा जाए तो गौर से सुनो, और अगर नहीं सुन सकते कुरान मजीद को बंद करके रखो, अपनी जरूरत पूरी करो, फिर उसके बाद वापस लौट कर आओ। और एहतराम की दूसरी शक्ल ये है, सही बुखारी और मुस्लिम की रिवायत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात से मना फरमाया कि कुरान को दुश्मन की सरजमीन में लेकर सफर किया जाए, दुश्मन की सरजमीन में लेकर सफर किया जाए। अहले इल्म ने उसका सीधा सा मतलब समझा दिया कि कुरान मजीद को हर उस आदमी के हाथ तक पहुंचने से रोको जिस आदमी के बारे में यह तवक्को हो सकती है कि आइंदा वो उस कुरान की तौहीन कर सकता है। जो आदमी कुरान की तौहीन कर सकता है उस आदमी के हाथ को कुरान लगने ना दो। ये कुरान मजीद के तादीम का दूसरा पहलू है, यह छठा हक है कि कुरान मजीद की तज़ीम की जाए और उसकी एहतराम किया जाए।